hello people welcome back to my channel and today we will be doing syllogisms this is one of the most important topic of lr and there are at least two to three must questions from it all right so without uh, wasting more time let's just get started okay

ऑल वेज ट्रू ओके सो जो स्टेटमेंट में जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है दैट इज़ योर गिविन पोर्शन आज जो कंक्यूजन है उसे आपको फाइंड आउट करना होता है कि हमारा आंसर क्या है और राइट सो लेट्स सी कि स्टेटमेंट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं स्टेटमेंट या तो हमारा पॉजिटिव हो सकता है या फिर हमारा नेगेटिव हो सकता है एंड अब पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करें तो एक होता है ऑल और एक होता है सम केसेस जैसे ऑल आर डॉग्स दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और सम आर डॉग्स दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करें तो नो कैट डॉग तो दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट एंड सम नॉट डॉग्स दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट सो आई होप आपको स्टेटमेंट्स कैसे दिए जाते हैं वो आपको समझ आ गया अब नाओ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारा सिचुएशन uh, जो हमें दी जाएंगी कंक्लूशंस में हमें उसके अकॉर्डिंग डायग्राम्स कैसे बनाने होंगे सो टॉकिंग अबाउट डायग्राम्स द फर्स्ट केसेस ऑल ए आर बी तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे लेट मी शो इट टू यू जस्ट अ सेकेंड और सो फर्स्ट ऑल ए आर बी सो दैट मीन्स ए हैज टू बी द स्मॉलर सर्कल एंड बी हैज टू बी द बिगर सर्कल राइट सो इसमें आप उल्टा मत कर देना अब क्योंकि ए इज इन बी सो इट अप्लाइज दैट ए ऑल ए आर बी एंड ऑल ए आर बी डज नॉट अप्लाई दैट बी का जो ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है ना ये जो बचा हुआ पार्ट है ये शो करता है कि जरूरी नहीं है कि सारे बी जो हैं वो ए हो और राइट ओके नाउ नेक्स्ट थिंग सम ए आर बी आर बी का आप डायग्राम कैसे बनाओगे ए दिस इज एस इज बी तो इनका जो कॉमन पोर्शन है दिस शोज दैट समे जो कॉमन एरिया right? तो अगर आपको स्टेटमेंट लाइक कंक्लूजन में दे रखा है ऐसे सम ए आर बी तो आप क्या डायग्राम बनाओगे और राइट देन नो ए एस बी नो ए एस बी का कुछ नहीं है आप दो सेपरेट सर्कल्स बनाओगे एंड इनको अलग अलग लिखोगे देन सम ए नॉट बी सम ए एर नॉट बी का क्या होगा सम ए आर नॉट बी का भी सेम डायग्राम बनेगा सम ए एर नॉट बी राइट ना अब आते हैं हम कंक्लूजन पे कंक्लूजन यूजली या तो कंफर्म होंगे या फिर पॉसिबल होगा अब मैं आपको एक चीज बताती हूं कि अगर पॉसिबल हुआ ना तो हमेशा उसके आगे लाइक आपकी जो हमें कंक्लूजन दे रखे होंगे लाइक वन फॉलोअर्स ए वो तो उसके आगे हमेशा नो लगाना ठीक है पॉसिबल है तो नो no, कंफर्म है तो आप राइट लगाओगे ठीक है और राइट अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन में कैसे ऐसे ना हमें ऑप्शंस दे रखे होंगे दैट ओनली वन फॉलोअर्स Only uh, two follows, if it only one or two follows, if neither one nor two follows. या फिर बोथ फॉलो ठीक है तो ये वाले हमारे सारे सिचुएशन हमें दे रखे होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने आंसर स्टिक करने होते हैं देख के कि कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं फॉलो कर रहा अब मैं आपको लेकर आती हूँ एग्जाम्पल पे ये तो सारा था इंट्रोडक्शन कि कैसे क्या होता है एंड किस टाइप का डायग्राम बनाना है अब दिखाते हैं आपको क्वेश्चन सो फॉर एग्जाम्पल हमें ये स्टेटमेंट दे रखे दिस इज़ द स्टेटमेंट उस दौर क्वेश्चन में लिखा होता है स्टेटमेंट क्या है कंक्लूजन दिस इज द स्टेटमेंट फर्स्ट सेज ऑल पेन आर बुक ऑल पेन आर बुक का डायग्राम कैसे बनेगा ऑल पेन आर बुक पेन यहां पे बुक यहाँ पे ठीक है ऑल बुक आर बोट ऑल बुक आर बोट मतलब सारी बुक्स जो है वो है बोट ये है बुक ठीक है तो इसका डायग्राम समझ आ गया अब लेट्स सी डायग्राम को इंटरप्रेट करके कि उन्होंने जो कंक्लूजंस दे रखे हैं ये जो है दीज आर कंक्लूजंस ये जो दोनों दे रखे हैं ये हमारे कंक्लूजंस हैं ठीक है ठीके? तो देखते हैं ऑल पेन फर्स्ट कंक्लूजन दे रखा है ऑल पेन आर बोट ऑल पेन आर बोट ये फॉलो कर रहा है बोट के अंदर देखो पेन है ना सो दे फोर गेस दिस इज ट्रू परफेक्टली ट्रू इसमें कुछ पॉसिबल नहीं है ये है ट्रू दे फोर करेक्ट ऑल बोट आर बुक्स ऑल बोट आर बुक्स नो ये पॉसिबल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता बी एड की बोट और बुक्स सेम अमाउंट लाइक सेम हो ठीक है सो देफोर हम इसके आगे नो no लगाएंगे सो so, हमारा आंसर क्या होगा इस केस में ओनली वन फॉलो क्या ओनली वन फॉलो क्वेश्चन में ना यहाँ पे वन और टू लिखा होता है और राइट right. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ओनली वन फॉलोर्स कंक्लूजन को देखना होता है कि कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है ओके नाउ लेट्स टेक अनादर एग्जाम्पल ऑल पेन आर बुक ऑल पेन आर बुक एंड ऑल बुक आर बोट सेम वही वाला ऊपर वाले एग्जाम्पल है और राइट ना नो पेन इज बोट नो पेन इज बोट ये तो फॉलो कर ही नहीं रहा क्योंकि सारे पेन तो बोट है ही बोट वाले सर्कल के अंदर है पेन वाला सर्कल तो इसके आगे हम क्रॉस लगाएंगे देन ऑल बोट आर बुक ऑल बोट आर बुक ये भी पॉसिबल है इसमें पता नहीं हमें जो प्रॉपरली ट्रू है यानी दे इसके आगे भी हम सर्कल लाइक नो लगाएंगे सो so, इसका आंसर क्या होगा neither nor all right neither one follows nor two follows समझ आया क्योंकि दोनों ही फॉलो नहीं करते Okay. Now. इसमें देखते हैं ऑयल पेन आर बोट सेम ही डायग्राम होगा है गाइस इसका भी एंड ऑल बोट आर बुक ऑल बोट आर बुक है ऑल पेन आर बोट ऑल बुक ना ट्रू है इसमें तो कोई बुराई है नहीं सम बोल दे ऑल बोल दे ठीक है ना बुक आर बोट सम बुक आर बोट हा दिस इज ऑल्सो ट्रू सो दे फॉर बोथ फॉलोस क्या आंसर होगा बोथ फॉलोस आई होप आपको समझ आ रहा हो क्यों सम पेन आर बोट सम पेन मतलब अब अब एक बताओ ऑल एप्पल्स आर रेड ट्रू ऑल एपल्स आर रेड और अगर मैं बोल दू समल्स आर रेड ये भी ट्रू है ठीक है सो देर फोर हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है ये वाला फर्स्ट वाला ये दोनों uh, हमारे ट्रू है राइट ओके नाउ सम आर बी समी तो ये आ गया हमारा ये ठीक है ऑल बी आर सी ऑल बी आर सी मतलब आ, या तो हम ऐसे बना लेते हैं ठीक है ऐसे ये है सी ओके okay. अब देखते हैं हमारा जो कंक्लूजन दे रखा है वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं? सम ए आर सी सम ए आर सी ये फॉलो कर रहा है क्योंकि ऑल बी आर सी तो सी वाला ये वाला जो पार्ट है देखो सी का ये वाला पार्ट ये ए है ना देफोर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो करता है सम सम ऑल हाँ तो बी ये वाला पार्ट है, हाँ, तो सम ये भी फॉलो करा तो so इसमें भी बोथ वाला सिचुएशन है ओके okay. अब आते हैं हम एक थोड़ा जो हमें डिफिकल्टी आती है क्वेश्चन में और यूजुअली इसका आंसर हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है दैट इज द ईदर और केस जिसमें हम हमारा आंसर होगा ईदर दिस Or that. तो इसमें ना पहचानने के लिए uh, like, so एंड जो बोध दस स्टेटमेंट है वो इनवेलिड है मतलब बोध दस स्टेटमेंट पॉसिबल कि या तो ये होगा या फिर वो इधर और का मतलब क्या होता है इधर दस मतलब या तो ये और दैट या, या फिर वो ठीक है सो so, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूं और इसमें दिखाती हूँ कैसे होगा क्वेश्चन दे रखा है सम ए आर बी सम ए है ये B है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख रहे सम बी आर सी अब मैं या तो यहां पे बना सकती हूं या फिर सी ऐसे भी तो बन सकता है, है ना सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज तो अब देखते हैं हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है सम ए आर सी दिस इज पॉसिबल हमें श्योर नहीं है कि ये वाला डायग्राम करेक्श करेक्ट है या फिर ये तो अब देखते हैं तो सम ए आर सी दिस इज पॉसिबल तो इसके आगे नो अब नो ए एस सी नो ए एस सी दिस इज ऑल्सो पॉसिबल अगर हमारा सी यहाँ पर बना हुआ है अगर हमारा ये वाला जो डायग्राम है अगर हम इसको फॉलो करें तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि नो ए एस सी अब तो इसके आगे भी हम नो लगाएंगे तो या तो अब अब आपको पता है या तो ये वाला डायग्राम होगा या फिर ये वाला डायग्राम होगा ठीक है तो इससे भी हमारा इधर और केस निकल आता है बट जस्ट टू कन्फर्म इट यू हैव टू सी थ्री रूल्स क्या पहले तो रिलेशनशिप बिटवीन द सेम थिंग तो इधर देखो यहाँ पे भी सी है यहाँ पे भी सी है ठीक है यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी ए है फिर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी एक स्टेटमेंट नेगेटिव होगी इधर देखो सम ए आर सी ये क्या है पॉजिटिव नो ए इज सी ये क्या है नेगेटिव ठीक है अब बोथ इनवैलिड है बोथ पॉसिबल है सो देयरफॉर दिस इज ईदर और केस समझ आ गया समझ आ गया ओके okay. अब हम आगे बढ़ते हैं इस सेकेंड एग्जाम्पल पे ऑल ए आर बी ऑल ए आर बी ठीक है तो ए यहां पे, बी यहां पे, सम बी आर सी अब इधर एक तो ये हो सकता है ये सी बन गया और एक हमारा ये सिचुएशन हो सकती है ठीक है टू केसेस तो अब मैं बताती हूं सम सी आर बी सम सी आर बी ट्रू नो सी इज बी सम सी आर बी एंड नो सी इज बी नो सी इज बी दिस इज नॉट द केस एक मिनट ऑल ए आर बी ऑल ए आर बी सम बी आर सी सम बी आर सी ठीक है तो सम सी आर बी राइट एंड नो सी इज बी ये तो फॉलो करते नहीं तो दिस इज द केस ऑफ ओनली वन फॉलोज ठीक है ओके तो अब मैं आपको एक दो हैक्स बताती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ बेसिकली फॉर मी पॉसिबल हैं दोनों केसेस या तो ये केस होगा या फिर वो केस होगा और उसमें सेम रिलेशन है तो मैं सीधा ईदर और पे टिक करती हूँ एंड इफ अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो नीदर और ठीक है यूज़ुअली काफ़ी फैकल्टीज मैंने देखी है ईधर और नीदर और में काफ़ी ज़्यादा हाइप कर देता है बट दिस इज़ द सिंपल रूल सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक दिस वॉज अ वेरी ईजी मैथड दिस इज लाइक द मोस्ट ईजियस्ट बहुत सारे मैंने टीचर्स को देखे इनफैक्ट जो मेरे टीचर थे uh, मैंने दो फैकल्टी से पढ़ाए एक फैकल्टी ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया था बट एक्चुअली दिस इज़ लाइक द मोस्ट थिंग इंपॉर्टेंट एंड द ईजिएस्ट थिंग आपको कोई भी डिफिकल्ट हो आप मेरे इंस्टाग्राम आई डी पर मुझे डी एम कर देना uh, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड uh, इसके आप जो स्टडी मटीरियल में क्वेश्चन दे रखे आप सारे करोगे इस मेथड से फॉर श्योर फॉर श्योर आप के सारे के सारे आंसर्स हो जाएंगे और राइट सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर सच वीडियोज़ तो कॉमेंट तो ज़रूर करना और राइट सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय